हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नीलम। आज हम बनाएंगे पालक और प्याज के पकोड़े। हम जब भी बाज़ार जाते हैं तो हमारे मन में अक्सर ये सवाल होता है कि ये पकोड़े इतने कुरकुरे कैसे रहते, घंटों रखे रहते, नरम ही नहीं होते। तो आज सारे डाउट क्लियर करूँगी मैं आपके कि वो इतने कुरकुरे कैसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने 6-7 बड़े साइज़ के पत्ते लिए हैं पालक के, जिसको मैंने काट लिया है मोटा मोटा। एक मिर्च, हरा धनिया और एक बड़े साइज़ का प्याज। पालक को मैंने अच्छे से धो लिया है, धनिया को भी मैंने अच्छे से धो लिया है। और याद रहे, मोटा मोटा काटना है पालक को। अब क्वांटिटी में मैं कम बना रही हूँ, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च और डालेंगे धनिया। हरी मिर्च आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तीखी हरी मिर्च थी इसलिए मैंने इसमें एक ही डाली है। आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसको भी मोटा मोटा काटना है, कोई भी चीज़ हमें बारीक बारीक नहीं काटनी है। और इसके बाद में अब हम इसमें मिक्स करेंगे प्याज। तो प्याज को भी काटने का तरीका है, इसको हम लंबाई में बहुत पतले पतले काटेंगे, ज़्यादा मोटे मोटे प्याज नहीं काटने हैं। तो देखिए, इस तरह से मोटे मोटे प्याज को काट लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मैंने अभी ये सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। मसाले बाद में नहीं ऐड करना है, पहले ही ऐड करना है। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। ये देखिए, आधा छोटी चम्मच अजवाइन है। इसको ऐसे क्रश करके लेंगे ना हथेली से, तो बहुत इसका जो फ्लेवर है वो इनहेंस होता है। इसके बाद हम इसमें 3-4 पिंच हींग डाल देंगे। अजवाइन और हींग जरूर डालें पकौड़े में, बहुत टेस्टी भी लगता है और अच्छा रहता है डाइजेशन के लिए। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। इसके बाद में हमें क्या करना है, थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है कलर के लिए, बहुत अच्छा सा येलो कलर आएगा। तो मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है, कुछ पिंच डाली है। अब इसमें लाल मिर्च डाल दो, ये भी अपने अकॉर्डिंग डालो कितना तीखा चाहिए आपको। इसके बाद में हम इसे मिक्स करेंगे। ये मिक्स हमें इसलिए करना है ताकि जो नमक है उसके कारण इसमें पानी छूटे, क्योंकि जब हम इसमें बेसन डालेंगे तो हमें इसमें ज़्यादा पानी का यूज़ करना नहीं है। तो जो इसमें पानी छूटेगा हम उसमें ही अपना बेसन को घोलेंगे। तो देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा रख दिया था कुछ सेकंड के लिए, तो ये पानी छोड़ दिया है। अब मैंने इसमें डाला है 2 टेबल स्पून बेसन। ये मेरा जो चमचा है ये 2 टेबल स्पून का है, और जितना मैंने बेसन डाला था उतना ही मैंने डाला है चावल का आटा। तो ये उनका सीक्रेट इन्ग्रीडियंट रहता है, वो उसमें चावल का आटा मिला देते हैं, जिसके कारण जो भजिए हैं वो नरम नहीं होते, काफ़ी लंबे समय तक कुरकुरे बने रहते हैं। दूसरे वो पानी डालकर बेसन नहीं तैयार करते हैं। तो देखिए, मिक्स मैंने किया पर कुछ छींटे मैं पानी के लगाऊंगी, इसमें कुछ छींटे लगाने हैं। हम लोग कैसे करते हैं, बेसन का घोल तैयार करते हैं फिर हम पकौड़े बनाते हैं। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इतने क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं और कई घंटे तक है ना ये क्रिस्पी ही रहते हैं। तो देखिए, ये थोड़ा गाढ़ा सा बैटर है, तो इस तरह का हमको इसका मतलब जो भी मसाला है वो चाहिए। इसके बाद मैंने गैस ऑन करके कढ़ाई में ज़्यादा सा तेल ले लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे पकोड़े। इसको भजिए भी कहते हैं। तो पकोड़े हमें सिर्फ छोड़ने हैं, शेप बिल्कुल भी गोल गोल या कुछ नहीं करना है, बिल्कुल उंगली से लेके ऐसे ऐसे जैसे बोलते हैं ना, बिखेर बिखेर के डालने हैं। तो ये ऐसे ही डाले जाते हैं, इसका कोई शेप नहीं चाहिए हमको। और जब एक तरफ से थोड़े सिक जाएं तो हम इसे पलट देंगे। तो इसी तरीके से आप आलू के पकोड़े बना सकते हैं, किसी भी सब्जी के पकोड़े आप इसी तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए, अभी है ना ये पकोड़े थोड़े से सिक गए हैं, लेकिन हमको इसमें चाहिए गोल्डन ब्राउन सा कलर। तो देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, बिल्कुल बाजार जैसे, मतलब एक एक लच्छा आया है इसमें। और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होते हैं, पालक का भी फ्लेवर आता है इसमें। तो देखिए, कलर अभी चेंज हुआ है। और एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी हमारी पकोड़े बनाने में कुकिंग होती है वो हमेशा हाई फ्लेम पर पकोड़े बनाए जाते हैं। अगर आप स्लो गैस पर पकोड़े सेकेंगे तो आपके पकोड़े एकदम से तेल पी जाएंगे। तो आपको अगर बहुत हाई लग रहा है गैस तो फिर आप उसको
मीडियम कर सकते हैं, लेकिन स्लो बिल्कुल भी नहीं करिए। तो देखिए सीख गए थे, अच्छा सा एक कलर आ गया है। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, तेल अच्छे से इसका निकाल दीजिए। तो ये देखिए पकोड़े बन गए हैं। तो जिस तरह से मैंने ये पकोड़े बनाए हैं, उसी तरह से जो बाकी का बैटर बचा है उसका भी मैं पकोड़ा बना लेती हूँ। तो देखिए इसको भी हमें इसी तरह से डालना है। मैं कैसे उंगलियां चला चला के डाल रही हूँ, बिल्कुल गोल गोल नहीं बना रही हूँ। तो अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से दुकान में जब हम पकोड़े खाने जाते हैं तो वो कुरकुरे रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक वो सौगी नहीं होते हैं। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो आपके भजिए भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो देखिए सेकंड वाला बैच था वो भी हमारा सीख गया है। तो इसको भी अभी हम तेल अच्छे से निकाल दो। अगर आपको लग रहा है तो किचन टॉवल ले लो, टिश्यू पेपर ले लो, उस पर निकाल लो। और ये वाले जो पकौड़े हैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं खींचते हैं, आप देख रहे होंगे एकदम ड्राई ड्राई से लग रहे हैं, बिल्कुल भी सूखे नहीं हैं। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही टेस्टी पकौड़े बने हैं और चटपटे भी हैं, क्योंकि हमने चिली वगैरह इसमें अच्छे से डाली है। अजवाइन और हींग की भी एक अच्छा सा खुशबू आ रही है इसमें से। तो इसे आप हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इमली की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना कुरकुरा है, ये देखिए एकदम करारे बने हैं। मैं इमली की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो आप चाय के साथ भी खाएंगे, किसी चटनी की ज़रूरत नहीं, तो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और पकोड़े बनाने में किसी मौसम की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, जब चाहे तब आप भजिए या पकोड़े बना सकते हैं। पास से देखिए तो पकोड़े बनकर एकदम तैयार हो गए हैं। कैसी लगी आपको रेसिपी, आप अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच।